क्लियर आवाज आ रही है। हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकराज में। दोस्तों, आज हम जिस लोकेशन पे हैं ये बहुत ही हॉन्टेड बताया गया है, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है इसी के अंदर एक बताते हैं यहाँ के लोग चीरघर है, पोस्टमार्टम हाउस। यहाँ की जो कहानियाँ जो आसपास के लोग हैं जो हमें बताए हैं, हमें जो फ़ोन किए हमारे जो भाई हैं, हमें जो फ़ोन करके यहाँ पर बुलाए हैं, वो हमारे साथ आए नहीं, क्योंकि इस जगह पर इतनी रात को मतलब कोई आता ही नहीं है। सबसे पहले आपको टाइम दिखा दे रहे हैं, टाइम कितना है नितेश, ये दिखा दो पहले। बारह बज के 58 मिनट, मतलब रात के 12:58 एक बजने वाले हैं, और इस जगह पे आना वास्तव में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जो यहाँ की कहानी है, यहाँ के लोग जो हैं, जब ये पोस्टमार्टम हाउस चालू था, यहाँ पे जब एक्सीडेंटल केस हैं और वगैरह जो भी लाशें यहाँ पे आती थी, क्योंकि जो भी पोस्टमार्टम होता है रात में नहीं होता है, सिर्फ दिन में होता है, इसलिए ये जगह पे अंदर बताते हैं एक रूम है जहाँ पे वो पोस्टमार्टम हुआ करता था। वहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें, और जैसे लोग बताते हैं यहाँ के लाशें रात में उठकर चलती रहती हैं, और कभी कभी तो छत के ऊपर और आसपास दिखाई भी देती थी। इसलिए जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, ये हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी लाशें नहीं आती हैं, अब पूरी तरह बिखड़ा पड़ा हुआ है। ये आज भी बहुत ही हॉन्टेड बताया गया है इस जगह पे, इसलिए कोई आज तक नहीं आता है। और नितेश, हम लोग कोशिश करते हैं इसके अंदर चलने के लिए, क्योंकि वास्तव में एक रात को 1 बजे और ऐसी जगहों पर जाना कुछ भी हो सकता है हम लोग के साथ, लेकिन बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, हम लोग इस के अंदर चलेंगे और क्या होता है सब वीडियो में आपको कैद होगा। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो का ज़्यादा से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे जो नए व्यूअर जो नए देख रहे हैं। चलो, क्या हुआ? कोई चिड़िया है क्या वहाँ पर? कोई चिड़िया है? किसी ने पत्थर मारा यार। हाँ, लेकिन आया कहाँ से? क्योंकि ये सब चल चलते
इसी में से कोई वो जो पोस्टमार्टम हाउस है, बताते हैं इसे कोई जगह है यहाँ पे, कोई ऐसा रूम है जहाँ पे वो पोस्टमार्टम होता था लोगों का? लेकिन वो कहाँ पे है? चिड़िया है क्या इसमें? क्या है इसके अंदर? नहीं यार, कबूतर है। किसी चीज को पास शांति करना चाहिए जो जो भी है। ओ भाई क्या है? जैसे इसे लोकेशन पे कुछ भी हो जाए कोई नहीं जानता है। जैसे किसी लाश की तरह लग रहा था। जैसे पोस्टमार्टम आने के बाद जो लाशें तैयार की जाती हैं सेम उसी की तरह लग रहा है। पूरे बिल्डिंग चारों तरफ से लगा दी दोस्तों। ये हॉस्पिटल अभी कुछ साल पहले बंद हुआ है क्योंकि गांव वालों ने ये बंद करवा दिया है कि अब यहाँ पे कोई लाशें ना आए, क्योंकि उनको जो डर पैदा हो गया था, जो उनके दिल में जो सहमे हुए थे, इसलिए इसे बंद करना पड़ा। जानवर की आवाज आ रही है। यार जैसे कोई लाश खड़ी है यार, क्लियर दिख रहा था। कौन है यहाँ पे?
कौन है? हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। कौन है यहां पे? किसकी आवाज आ रही थी इस बार बार आवाज आ रही है? ये देखो कुछ हो रहा है, क्योंकि यहीं पे कोई ऐसा रूम है जहाँ पे ये रूम तो नहीं है अंतिस, यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ करता था। हाँ ये देखो ये तो क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा एक बताने वाला था, एक ऐसा रूम है जहाँ से कुछ लाशें चलने की, हंसने की, डोलने की, रोने की आवाज आती है, जो यहाँ के लोग बताएं। किसी किसी की आज चलने को आ रहे थे। कुछ मेरा कोशिश नहीं आ रहा है। ये बंद भी यार, और तीन तीन लाशें यहाँ पड़ी हैं। वो देखो यार, पूरे सील की लाशें हैं यार। इस जगह पे कोई बंद है यार। पोस्टमार्टम बंद है यार नितेश। आवाज भी आ रही है। अकेले यहाँ पे जो बंद है, इसके बाद भी जो कुछ किया नितेश। तो कहाँ गया? लाशें कहाँ गई? गायब हो गया।
हमारा हाथ नहीं था। क्यों लगा? ये वो पोस्टमार्टम रूम है जहाँ पे लाशें, जो लाशों का पोस्टमार्टम करता था। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्या वास्तव में जैसे लोग कह रहे थे यहाँ पे कि आज भी लाशें दिखाई देती है? कुछ दिखा तो था वहां पर यार, दिखा नहीं तो पूरा लाश की तरह है यार। आवाज आ रही भाई, क्लियर आवाज आ रही। कोई आवाज आई थी कोई आवाज आई थी लेकिन यहाँ जो एक्टिविटी हो रही है पहले बाहर चलते हैं। निकलते हैं चलते हैं पीछे भी लेते हैं। आवाज आ रही है लगातार। हाउस के ऊपर बात हो जाए।